मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। इस बीमारी से सभी आदमी को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सावधान रहना होगा। कैंसर की बीमारी का इलाज है, पर मोदी का बीमारी का इलाज नहीं है। अगर कभी किसी परेशानी में फंसते होंगे आप लोग भी, तो क्या करते हैं? मतलब बाप रे बाप, माई रे माई, इस तरह का करते हैं ना रिएक्शन? अब मोदी जी जब फंसते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मुसलमान रे मुसलमान, मुसलमान रे मुसलमान, यही करना शुरू कर देते हैं। अभी क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान का खाई पैदा करने का? कांग्रेस से अपना तुलना आप करते हैं, कांग्रेस क्या क्या नहीं की इस देश के लिए? कांग्रेस गलत नीतियों को गिना रहा है। क्या गलत नीति है कांग्रेस का? 450 रुपए में सिलेंडर देती थी, गलत नीति था। 70 रुपए में आपको पेट्रोल देती थी, गलत नीति था। आम जनता के लिए 300 से 500 रुपए के आदमी बना दिए। 5 किलो अनाज ले लो, 300 रुपए की दिहाड़ी कर लो, बस मजदूर बने रहो। उनके आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? दरभंगा में एम्स बन गया, तो मोदी जी को आपके पैर में दर्द है, आप जो सिंगापुर इलाज कराने जाते हैं ना, उससे बेहतर है कि बिहार में आप आइए और दरभंगा में वहाँ जो एम्स जहाँ बनाए वहाँ पे जाकर इलाज करवाइए। अच्छा। आपके लिए बेहतर होगा। आप फेंकने से मोदी जी नहीं होगा, आप सिर्फ फेंकिएगा, हम लोग अब फंसने वाले नहीं है। आप जितना आपको फंसाना था फंसा लिए, पहले तो हम लोग फूल थे, अब हम लोग का कांटा बना ही दिया, तो आप मोदी जी आप पे चुभे भी करेंगे, ऐसा तो नहीं। फर्स्ट चरण और सेकंड चरण के चुनाव के बाद कह रहा है कि मोदी जी 400 पार का नारा छोड़ दिया, डर गए क्या? 400 पार का नारा क्यों छोड़े? क्योंकि जान रहे अब जनता सरे 400 पार कर रहा है, तो 400 पार काहे करेंगे? वो जान रहे हैं कि हम काम इतना सुंदर किए हैं कि अब जनता हमको सरे 400 पार। इसका सब जो है बीजेपी में शामिल हुआ है, ठीक है, अगर निष्पक्ष तरीके से उनका जाँच हुआ रहता तो किस बात का दावा कर रहे थे कि 90 लाख रुपया लगा तब हम छूटे? नहीं तो 90 लाख रुपया लगा, देखिए एक गरीब से नीचे उठ के वो आदमी मेहनत करके ऊपर आया है। 90 लाख रुपया किस बेसिस पे लगा? कानून तो पैसा नहीं ना लेता है भाई, सबको सैलरी दिया जाता है। सेकेंड फेज का चुनाव जो है खत्म हो गया है और लगभग जो है 60%+ जो है वोटिंग का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लोगों ने 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। और इन्हीं आंकड़ों पर बात करेंगे कि आखिर जो है अगला चुनाव जो है कब, तीसरा फेज का जो चुनाव है लोग इस बार जो है किसको उसमें चुनने वाले हैं, और पहला फेज और सेकेंड फेज को देखकर जो है काफ़ी जो है राजनीतिक पार्टियों में हलचल मचा हुआ है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि इस बार जो है फिर तीसरा फेज में जो है लोग किसको चुनने वाले हैं और क्या क्या मुद्दा रह रहा है चुनाव में, इस पर भी बात करेंगे। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहिद जमाल। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सेकंड फेज का चुनाव हुआ और 60% ज़्यादा वोट डाला गया, क्या लगता है क्या मुद्दा हुआ होगा? लोग प्रधानमंत्री को सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हिंदुस्तान में आए थे। इन्होंने विकास देश की जनता से वादा किया था कि जो स्विस बैंक में काला धन है वो लाया जाएगा और भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। इन्होंने कहा था हर एक साल 2 करोड़ को नौकरी दिया जाएगा। इन्होंने जिस बिहार ने उन्हें 39 सांसद 19 में दिया, उन्होंने कहा था कि विशेष पैकेज दिया जाएगा, चीनी मिल चालू होगा। ये तमाम बुनियादी समस्या जो भारत का है और बिहार का हम आपको दिलाएंगे, मगर एक भी देख लीजिए 2014 से 2024 के दरमियान में जो भी चुनावी मंच साझा करते हैं प्रधानमंत्री, एक भी बात विकास पर नहीं करते हैं। हम क्या डेवलपमेंट किया भारत में ये नहीं कह पाते हैं। मोदी 14 में 35 बिहार दिया, 19 में 39 दिया, तो 40 देने वाला है। अब आपको सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म पे हम कह देते हैं कि मोदी जी का, मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। इस बीमारी से सभी आदमी को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सावधान रहना होगा। कैंसर की बीमारी का इलाज है, पर मोदी का बीमारी का इलाज नहीं है। इससे सावधान रहिए और वोट देने जाइए तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, 18% GST पर, इस तमाम मुद्दे को देखते हुए वोट करें। कोई मुद्दा नहीं है, देश मजबूत हो रहा है बात। अरे मुद्दे पे वोट जनता कर रहा है, अब बचे हुए बाकी जो फेस है समझ गए 5, वो जनता मुद्दे पर ही वोट करेगा, मुद्दे पे करेगा, इनके जुमलेबाजी पर वोट नहीं करेगा। अरे इन्होंने जो जुमला कहा, इनके गृह मंत्री ने भाई एक पत्रकार को जवाब दिया कि ये जुमला था, तो आप बताइए प्रधानमंत्री के बातों को जुमला ठहरा दिया गृह मंत्री कहाँ तक? गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव भी तो जुमला दे रहा है कि 1 करोड़ नौकरी। अरे भैया उनका उम्र 75 साल हो गया है, अब देश के तीसरे मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठ सच चुनावी मन से कह रहे हैं। किसी को बोल लेंगे कि मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा इनकी हुकूमत आई तो, बोला जा रहा है कि आपका सोना उतार लिया जाएगा। मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं मंच पर, सिर्फ लोगों को वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, धार्मिक बात लाके ऐसे बात का उत्पादन कर देते हैं प्रधानमंत्री, जिसका कोई लेना देना हिंदुस्तान से नहीं है। हिंदुस्तान क्या कहिएगा? मोदी जी जिस तरीके से कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो औरतों का मंगल सूत्र उतार लिया जाएगा और एक खास
तबके को दे दिया जाएगा। पहली बात तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का खुद का तो पत्नी है, लेकिन खुद का पत्नी का अपना ध्यान नहीं रखते हैं, शायद वो मंगल सूत्र पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, लेकिन दूसरे के पत्नी को बहुत ज़्यादा ध्यान है। इतना दिन से पहले जो कांग्रेस सरकार है देश पर शासन कर रहा था, उस समय तो किसी महिला को मंगलसूत्र नहीं छीना था, बल्कि हमारे देश में जब दूसरे पाकिस्तान और चाइना से युद्ध हुआ था तो हमारे देश की प्रथम महिला जो थे ना इंदिरा गांधी जी, अपना मंगलसूत्र को रख के देश आज़ादी में मतलब अपना मंगलसूत्र रखी थी, और मतलब समझिए कि जंग में वो अपना दी थी। ये क्या किए, न जंग किए न कुछ किए, उसके बावजूद भी करेंगे। दूसरी, अगर उनको ये पता चल गया है कि इस बार हम आने वाले नहीं हैं, 400 हारने वाले हैं, इस तरह से तो देखिए मोदी जी का बयान और चाइना का सामान में कोई ये मतलब ही नहीं रहता है। आप समझ जाइए, गारंटी दे रहा है, कह रहा है कि आप कोई नहीं रहता है। बिल्कुल, गारंटी तो बहुत सारे देते हैं, लेकिन पूरा कहाँ एको करते हैं। गारंटी तो बहुत सारे दिए, बिहार में बहुत सारे फैक्ट्री लगाने की बात कहा, रोजगार पहले बोले थे कि युवा को रोजगार देंगे, कहाँ गया, महंगाई कम करने की बात कहें, अभी फैक्ट्री लगाने की बात का, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात का, गिनवा रहा है ना चुनाव में कि इतना काम किए, देश का विकास हुआ। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमें इतने सारे यूनिवर्सिटी बनाया है, इतना सारे IIT कॉलेज बनाया है, इतना सारे मेडिकल कॉलेज बनाया है। पूर्णिया में भी बोले थे ना कुछ दिन पहले, चुनाव से बहुत दिन पहले 2023 में बोले थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया और एक दरभंगा में एम्स बन गया, तो मोदी जी को आपके पैर में दर्द है, आप जो सिंगापुर इलाज कराने जाते हैं ना उससे बेहतर है कि बिहार में आप आइए और दरभंगा में वहाँ जो एम्स जहाँ बनाए वहाँ पे जाके इलाज करवाइए, आपके लिए बेहतर होगा। आप फेंकने से मोदी जी नहीं होगा, आप सिर्फ फेंकिएगा, हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, आप जितना आपको फंसाना था फंसा लिए, पहले तो हम लोग फूल थे, अब हम लोग का कांटा बना ही दिया, अब तो आप मोदी जी आप पे चुभेवे करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चुभेंगे। इस तरीके से चुनाव अभी चल रहा है लगातार, फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ, फिर अगला तीसरा फेज का भी, फर्स्ट फेज में देखें मोदी जी का हवा टाइट हो गया है, हवा टाइट हो गया है, बिल्कुल हार पहले ही से मान चुके हैं, जहां भी वो रैली कर रहे हैं पहले की तरह उनका हाव भाव क्रेज नहीं है, पहले उनका चेहरा खुशी रहता था, हाव भाव से देखने में पता चलता था, अब जहां जाते हैं यान बयान दे रहे हैं। देखिए अब अगर उनको ये पता हो जाता कि सचमुच हम जीतने वाले हैं तो मुस्लिम पे कटाक्ष नहीं करते, मंगलसूत्र की बात ही नहीं लाते। मंगलसूत्र का पता है ना कि इमराज से भी महिलाएं लड़ जाती है मंगलसूत्र के लिए, वो कहाँ खर्च करती है, जब उसका पति पूरी तरह से बीमार होता है पैसा नहीं मिलता तब करती है। कांग्रेस के गलत नीतियों को गिना रहा है मोदी जी, कांग्रेस ने जो यहां जितने सारे IIT इसरो बना दिया, जो हम लोग बिहार की बात किए, जो IGMS हॉस्पिटल उसी का बनाया हुआ है, संजय गांधी जो योग है उसी का दिया हुआ है, मोदी जी 10 साल में बिहार में का दिए, 40-45 सीट तो मिला, एक भी फैक्ट्री लगाया, उन्होंने कहा था चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे, एक भी चीनी भी मिल चालू कराए हैं, 6 साल के बाद 56 रिकॉर्डमेंट दिए हैं। ये रेलवे स्टेशन है, इसमें लिफ्ट तक तो लगी नहीं है, बुजुर्ग आ तो आदमी या तो परेशान हो जाता है यहाँ तक रोड ये क्रॉस करने के लिए, और रेल तो मंत्रालय तो रेल मंत्रालय तो इनके पास है, गवर्नमेंट के पास है, एक एक्सीलेटर तो लगवा सकते हैं हर इस पे, सुनिए और अंकल, आप अंकल, एक मिनट एक मिनट कहाँ पे एक्सीलेटर नहीं दिखा, आप अपने कैमरामैन को थोड़ा सा फोकस कर यहाँ पे बोलिए, एक्सीलेटर यहीं पे लगा हुआ है, 7 पे दिखाइए, 7, अरे हर जगह नहीं रहता है, मेरी मदर 90 साल की अभी आई है, हमें पता है कैसे आए हैं ऊपर, एक मिनट रुकिए, उस साइड नहीं है तो कैसे उतरेंगे, कैसे करेंगे, 7 पे से कैसे आएंगे ऊपर, अरे भैया मेरे भैया कैसे, एक साइड से हम दिल्ली से आए हैं, चढ़ने का सुविधा नहीं मिला, अब आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को सेल्फिश होना चाहिए, 256 सीट आई हैं कल बच्चों की जी मींस में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, कोई आसान बात है, कहाँ एक भी सीट नहीं आती थी, कर रहे हैं ना केजरीवाल, काम कर रहा है ना, आम जनता के लिए काम कर रहा है ना, ऐसे ही ये मोदी साहब आम जनता के लिए काम करें, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम करें, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बड़ी चीज़ें बना रहे होंगे पर आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आम जनता के लिए 300 से 500 रुपये के आदमी बना दिए, 5 किलो अनाज ले लो, 300 रुपये की दिहाड़ी कर लो, बस मजदूर बने रहो, उनके आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी गुजरात के चुनाव में उन्होंने कहा था 14,500 स्कूल बनाऊँगा, एमिनेंस स्कूल, आज यहाँ तो पंजाब सरकार एमिनेंस स्कूल बनाने चालू कर दिए, इनका एक भी स्कूल का उद्घाटन देखा है आपने कि मोदी जी ने बना दिया, ये वाले 50 स्कूल या 200 स्कूल बना दिए, काम गिरा रहा है ना कि विकास हो गया, ये हो गया, विकास दिखे ना, आम जनता के लिए विकास चाहिए। भैया मंगलसूत्र उतारने की बात हो रही है, क्या कहिएगा? देखिए मंगलसूत्र पे जब भी बात होता है ना तो हमको पुलवामा याद आ जाता है, तब और क्या, कैसे हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र क्या हुआ, मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, वो तो शहीद हो गए ना पाकिस्तान, शहीद हो गए तो ठीक है, 400 सीट का मोदी जी अगर बात कर रहे हैं तो 400 किलो RDX कहां से आया, इसका भी बात करें मोदी जी, इसका हम बात नहीं करेंगे, जांच उसका चल रहा है। देखिए मंगलसूत्र मुसलमान ये सब जो मुद्दा है मोदी जी अभी खोदेंगे पूरा, अभी देखिए जैसे जैसे अभी दूसरा फेज खत्म हो गया
बिलबिलाए हुए हैं, तीसरा फेज खत्म होगा, चौथा फेज आते आते तक अनर्गल बयान देना शुरू कर देंगे मोदी जी। आपको पता होगा, अच्छा अगर कभी किसी परेशानी में फंसते होंगे आप लोग भी तो क्या करते हैं, मतलब बाप रे बाप, माई रे माई, इस तरह का करते हैं ना रिएक्शन। अब मोदी जी जब फंसते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मुसलमान रे मुसलमान, मुसलमान रे मुसलमान, यही करना वो शुरू कर देते हैं। अभी क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान का खाई पैदा करने का, बिना मतलब का अनर्गल बयानबाजी आप कर रहे हैं। कांग्रेस से अपना तुलना आप करते हैं, कांग्रेस क्या क्या नहीं की इस देश के लिए, कांग्रेस से गलत नीतियों को गिना रहे हैं। क्या गलत नीति है कांग्रेस का, 450 रुपये में सिलेंडर देती थी गलत नीति था, 70 रुपये में आपको पेट्रोल देती थी गलत नीति था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाई कांग्रेस गलत नीति था। मोदी जी का कौन सा नीति सही रहा है, नोटबंदी सही रहा कि GST सही रहा? क्या कहिएगा, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण के चुनाव के बाद कह रहा है कि मोदी जी 400 पार का नारा छोड़ दिया, डर गए क्या? 400 पार का नारा क्यों छोड़े, क्योंकि जान रहे अब जनता सरे 400 पार कर रहा है, तो 400 पार काहे करेंगे, वो जान रहे हैं कि हम काम इतना सुंदर किए हैं कि अब जनता हमको सरे 400 पार करेगा। और पहला चरण दूसरा चरण उस सातों चरण में विजयी भव आशीर्वाद लेके आए हैं। अरे जो राम जी खोपड़ी में रहते थे उनको मंदिर बना दिए भगवानों, तो 2 मिनट सोचेंगे ना कि इतना दिन हम बारिश में धूप में कष्ट काटे हैं, वो इंसान हमको एगो घर देने का कार्य करवाया है। मोदी जी क्या कहे थे कि 2022 में देश के गरीब लोगों को हम घर देंगे, लोग गरीब लोगों को घर नहीं दे पाए, और बात करें कि राम जी को घर दे दिए। दूसरी चीज, भाजपा वाले या फिर कुछ अंध भक्त गाना गाते रहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जो राम को ला सकता है वो मेहुल चौकसी को नहीं ला सकता है, जो राम को ला सकता है नीरव मोदी को नहीं ला सकता है, जो भगवान राम को ला सकता है वो ललित मोदी को नहीं ला सकता है, जो भगवान राम को ला सकता है विदेशों से काला धन नहीं ला सकता है। तो ये सब झूठा क्रोनोलॉजी मोदी जी फैला रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये कह रहा है, विपक्ष कहता है कि राम को वो कैसे लाए, हम तो कह रहे हैं कि राम जी का जो मंदिर बना वो कोर्ट के आदेश से बना, तो जब ED CBI छापा मारता है, जेल जाते हैं, सजा सुनाता है, तब मोदी जी भेजते हैं। जब मंदिर कोर्ट बनाया तो ED CBI छापा मारा आ कोर्ट के आदेश से जेलों तक कोर्टे भेजा, ना जेल कोर्ट में और ED CBI में अंतर होता है कि नहीं होता? क्या अंतर होता है भैया, ED CBI निष्पक्ष एजेंसी होती है कि नहीं? आज मोदी जी हैं, कल अगर कोई और आ जाएंगे जीत के तब भी तो ED CBI कार्य करेगा, ऐसा तो नहीं है कि ED में जो ऑफिसर है आज मोदी जी के कहने पे है और मोदी जी हटेंगे, CBI का ऑफिसर हट जाए, ऐसा तो नहीं है, वो एक जांच एजेंसी है। अभी एक मिनट भैया, अभी मनीष कश्यप जो है BJP में शामिल हुए, ठीक है, अगर निष्पक्ष तरीके से उनका जाँच हुआ रहता तो किस बात का दावा कर रहे थे कि 90 लाख रुपया लगा तब हम छूटे? नहीं तो 90 लाख रुपया लगा, देखिए एक गरीब से नीचे उठ के वो आदमी मेहनत करके ऊपर आया है। 90 लाख रुपया किस बेसिस पे लगा, कानून तो पैसा नहीं ना लेता है भाई, सबको सैलरी दिया जाता है, कौन वकील फ्री में काम करेगा, 90 लाख रुपए लेगा? अरे कोई भी वकील रहेगा तो वकील फ्री में काम करेगा, उसका एक अपना चार्ज होता है, तो अपना चार्ज लिया, खर्चा हुआ, कपिल सिब्बल करोड़ों रुपए का लेते हैं, एक एक मतलब जाके एक सुनवाई का करोड़ों रुपए लेते हैं, ठीक है, बताइए तो क्या अगर बढ़िया वकील किए होंगे निकलने के लिए, क्योंकि उनके पक्ष विपक्ष में बहुत सारे ऐसे नेता खड़े थे, ऐसे लोग पार्टी में खड़े थे कि उनको मजबूर उतना पैसा खर्च करना पड़ा होगा, हम ऐसा मानते हैं। चलिए क्या कहिएगा चाचा, जिस तरीके से कह रहा है लोग कि ED CBI जो है अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल जो है उनको जेल हो गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। देखो CBI के ED सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जैसा वो कहेगी वैसा करेंगे, शुरू से पता है सबको, तोते हैं वो। देखिए केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार आदमी है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है, बिल्कुल। केजरीवाल जी देखिए क्या बात करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्कूलों की सुविधा अच्छी कराएंगे, हमारी सरकार बनी तो हम अच्छा अस्पताल बनाएंगे, हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए बस फ्री करेंगे। हमारे हेमंत सोरेन जी, वो भी जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्या कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम OPS लागू करेंगे, अगर हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, हमारी सरकार बनी तो नए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो देश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारे मोदी जी क्या कहते हैं कि भाइयों और बहनों, अगर इस क्षेत्र में कब्रिस्तान है तो शमशान क्यों नहीं है? तो आप देखिए अंतर कितना है देश के नेताओं में। केजरीवाल जी पढ़े लिखे IAS आदमी, IRS रहे हैं, UPSC। मनोज तिवारी भी तो कहते हैं कि जितना केजरीवाल काम करेंगे उससे हम जीत के दुगुना काम करेंगे। मनोज तिवारी 2003 में, मनोज तिवारी बिजली 20% दे रहे हैं फ्री, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, मैं 5 गुना दूंगा, 1000 यूनिट फ्री दूंगा। फिर 2 मिनट में मुकर गया, कहता इसके बारे में बात मत कीजिए, कुछ और राम मंदिर के बारे में बात कीजिए। देखिए मनोज तिवारी जी और रिंकिया के पापा इस बार चुनाव हार रहा है, बिल्कुल बिलबिलाए हुए हैं पूरा। वो भी 2003 में एक गाना उनका बहुत चला था कि
कि दौड़त धूपत चप्पल जूता घिस गई ले बाबूजी, नौकरी ना मिलल मनु चाट भैले बाबूजी। मनोज तिवारी गाए थे ना गाना, और वो गाना हम अभी सुनते हैं। कह रहा है कि कन्हैया कुमार को वहां से वोट नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है कि नहीं मिला तो किसको वोट मिलेगा? देशद्रोही अमित शाह हो गया। अमित शाह क्या देशभक्त आदमी है? तड़ी पार थे कि नहीं थे? तड़ी पार थे कि नहीं थे बताइए? उनको कोर्ट कहिए तड़ित पार, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन इल्जाम तो खत्म हो गया कन्हैया कुमार पे। बोले कन्हैया कुमार का भैया होम टाउन कहाँ? कन्हैया कुमार पे तो साबित भी नहीं हुआ था आरोप, अमित शाह पे साबित हुआ था। कन्हैया तिवारी का होम टाउन कहाँ? कन्हैया कुमार पैदाइश कहाँ? बेगूसराय। चुनाव सुनिए, जवाब तो सुनिए। चुनाव लड़े, हार गए, बिहार से उनको टिकट नहीं मिला, रहा जा रहे हैं दिल्ली। शीला दीक्षित को हरा के मनोज तिवारी जी 2.5 लाख वोट से जीते थे, और इस बार उनका कांग्रेस। अब सुनिए, अब सुन लीजिए, वहाँ पे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं सुपुत्र संदीप दीक्षित जी जो सुपुत्र हैं शीला दीक्षित के, और कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का दिल्ली में भरसेज कन्हैया कुमार, और कांग्रेस तो अपने में लड़ रही है। राहुल गांधी अनाउंस कर दिए कि यहाँ से कन्हैया चुनाव लड़ेंगे। संदीप दीक्षित और कांग्रेस के जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं उनको अपना ही नहीं रहे। संदीप दीक्षित स्टेज पे नहीं जा रहे कन्हैया के बुलाने पे, कह रहे तुम बोलोगे तब आएंगे। तो ये तो दशा है कांग्रेस का, जब आपस में भिड़िएगा तो तीन तारा काम बिगाड़ा। जब कांग्रेस यही नहीं तय कर पा रही है कि कहां हमको क्या करना, इस बीच में मोदी जी फायदा लेंगे। जिनका अपना घर खुद शीशे का हो, दूसरों घर पे पत्थर नहीं मारा करते। भाजपा का ये लोग नहीं देखते हैं कि वहां गडकरी जी मोदी जी से नाराज, अमित शाह योगी जी जी से नाराज, अमित शाह योगी जी से नाराज, उसके बाद करोड़ी लाल मीना, वहाँ शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, उनसे नाराज। भाजपा का ये लोग नहीं देखेंगे, देखने कन्हैया कुमार से नाराज हैं। क्या मतलब है भाई? हम प्रधानमंत्री को बस इस बेसिस पे चुनेंगे, इनका अपना ओपिनियन है, कांग्रेस को वोट देंगे, हमारा अपना लोकतंत्र है, हम बीजेपी को वोट देंगे। और हम बीजेपी को क्यों देंगे ये भी आप रीजन जान लीजिए। 12 किलोमीटर पर डे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, 37 किलोमीटर पर डे NHI का रिपोर्ट है, रोड बन रहा है, समझ रहे हैं ना। सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बना है भारत, समझ लीजिए। थर्ड लार्जेस्ट हैंडसेट मैन्युफैक्चरर भारत बना है, फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भारत बना है मोदी जी का कार्यकाल का हम बता रहे हैं आपको। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट मोदी जी के कार में देखा गया है, वंदे भारत जैसा ट्रेन देने का काम मोदी जी किए हैं। इस सब बात को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं, दूसरा ही बोलेंगे बेरोजगारी महंगाई। आप नहीं, पहले इसी पे आएंगे। नहीं नहीं, सब बात, सब जब बात इतना काम हुआ है, मोदी जी फैक्ट्री लगाए हैं, क्या क्या अभी बताए कि रेलवे का बनाए हैं, NH बनाए हैं, सीधा बात बोलेंगे अगर ये सब इतना चीज बन रहा है तब भी हमारे देश का 86% से अधिक युवा बेरोजगार क्यों है? सीधी सी बात है, क्यों बेरोजगार है? बेरोजगार है, पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कहाँ से? ओ जैसा कितना पढ़ा लिखा है भाई साहब? कौन जैसा? जैसा किसको आप लेके चलिएगा ये बता दीजिए। जैसा कितना पढ़ा लिखा है? किसको आप लेके चलिएगा? ये आप घर से निकलिएगा, माँ बाप को कह के जाइएगा कि कोचिंग करने जा रहे हैं, और जाके बैठिएगा साइड में। बताइए कि जैसा कितना पढ़ा लिखा है, हमको बता रहे हैं। जैसा कैसे बन गया BCCI का महासचिव? रोज कमाओ रोज खाओ। ओ नहीं नहीं, रोज उसको जीविका कहते हैं, उसको जीविका कहते हैं, रोज कमाओ रोज खाओ जीविका कहते हैं। चलिए, तो सेकंड चरण के चुनाव के बाद लोगों का ये माहौल है, और इस बार जो है थर्ड, इसके बाद जो है थर्ड चरण के चुनाव होने वाला है, इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि किस मुद्दे पर लोग वोट देने वाले हैं और क्या कुछ इसके बाद जो है होने वाला है। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़, और मैं हूं साहब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।